हाय गाइस, हम अपना जो कंटिन्यू करेंगे, हमने रोशो टर्किश वॉर की बात की थी थोड़ी सी पिछली वीडियो में, और ईस्टर्न क्वेश्चन टॉपिक जो है दैट इज़ स्टिल अंडर कंटिन्यूएशन। क्रीमियन वॉर की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और रूसो टर्किश वॉर 1868 से 74 की हम पहले बात कर चुके हैं, जिसमें ट्रीटी ऑफ काचुक साइन हुई थी 1874 में, जिसके तहत जो है रानी कैथरीन ने जो है आपके क्रीमिया को एक्स किया था। तो उसकी बात कर चुके हैं, क्रीमियन वॉर की बात कर चुके हैं, अब एक और रूसो टर्किश वॉर की बात कर लेते हैं। और 1874 वाली जो वॉर थी रूसो टर्किश वॉर, उसके ऊपर मैंने एक और बहुत ही स्प्लेंडेड प्रेजेंटेशन बनाई है, वो उसमें देयर इज नो वॉइस बट देयर इज यू नो लाइक एन एफर्ट टू डिस्प्ले यू हाउ इट फॉट एंड व्हाट वाज द एलाइज एंड व्हाट वाज नॉट, तो वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। और आई रिकमेंड यू कि आप ये सारी वीडियोज जो भी आप देखें वर्ल्ड हिस्ट्री की, वो क्रोनोलॉजी में देखें, तो आपके लिए वो ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट आपको देगा, ठीक है। तो रूसो टर्किश वॉर 1877 से 78 की बात करते हैं। देखिए, रशिया एंड टर्की प्रॉमिस रिफॉर्म्स बट फेल्ड, इसके आउटकम्स ये हुए थे। और जो आपके मतलब जो आप इससे पहले का जो हमने देखा था कि जब आपके क्रीमियन वॉर हुई थी, तो रशिया और टर्की दोनों ने ही रिफॉर्म्स करने की बात की थी, ठीक है। तो 1877 से 78 के बीच में क्या होगा कि आपके रशिया और बल्गारिया फिर से टर्की के साथ लड़ाई करेंगे 1877 से 78 के बीच में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आई हैव रिटन हियर, ठीक है। सो यू कैन सी हियर 1877 से 78 के बीच में रशिया और टर्की यानी कि ऑटोमन एम्पायर के बीच में फिर से लड़ाई होती है। रशिया का लड़ाई कौन होता है इस वक्त? बल्गारिया। और इस वॉर का जो आउटकम निकलता है वो ये निकलता है कि ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफनो साइन होती है 1878 में, रशिया टर्किश वॉर के आउटपुट के तौर तरीके से, ठीक है। तो इस ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफनो में क्या था, इस ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफनो में क्या डिसाइड हुआ कि टर्की जो है उसने ग्रीस, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो की इंडिपेंडेंस को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। बल्गारिया को जो है ऑटोनॉमी दे दी गई, और इट वॉज केप्ट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ रशिया। और ब्लैक सी का जो एरिया है उसको इस तरह से एक्सेप्ट किया गया कि दैट इज अ जोन ऑफ रशियन इन्फ्लुएंस। तो जब हमने देखा था कि 1874 वाली रूसो टर्किश वॉर हुई थी, तो उसमें भी ब्लैक सी को रशियन इन्फ्लुएंस का रीजन माना गया था, लेकिन फिर बाद में जब क्रीमियन वॉर होती है, इटली, ब्रिटेन और फ्रांस रशिया पर अटैक करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ टर्की, टर्की भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तब उसमें जो है रशिया की हार हुई थी। फिर आपने देखा था कि आपका जो है फिर जो ब्लैक सी से रशिया का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया था, लेकिन फिर बाद में 1877 के आसपास 1870s में आप देखेंगे रशिया ने जो आपके ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई थी 1857 में, जिसकी हमने पहले भी बात की है, उसको रेपिडेट करता है, अपनी नवल स्क्वाड्रन बनाना शुरू करता है, इसीलिए जो है वापस जो है आपके क्रीमिया वॉर होती है, सॉरी आपके रूसो टर्किश वॉर दोबारा वो करता है, और जो आपके ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई थी क्रीमियन वॉर के तहत, उसको जो है रशिया उसका उल्लंघन कर देता है। आई होप आप कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, आप ये क्रोनोलॉजी में वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो 1877 से 78 के बीच में ये रूसो टर्किश वॉर जो हुआ, ये हमारे परिप्रेक्ष्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रशिया की अचीवमेंट क्या रही सैन स्टेफनो में कि जो है इससे क्या होगा कि जो ब्रिटेन की टेंशन थी वो बढ़ गई, क्यों? क्योंकि बेंजामिन डिजराइली जो उस वक्त ब्रिटिश पीएम थे, उन्होंने देखा कि अरे हमने तो क्रीमियन वॉर करके जो रशिया को दबाने की कोशिश की थी, रशिया फिर से खड़ा हो रहा है, तो अब ब्रिटिश पीएम क्या करेंगे? उन्होंने रशिया को वार्निंग दी कि आपने जो सैन स्टेफनो की ट्रीटी साइन की है आपके इसके साथ ऑटोमन एम्पायर यानी कि टर्की के साथ, तो इसको जो है आप इसके प्रोविजंस को अमेंड करो। तो दिस बिकेम अपॉर्चुनिटी फॉर बिस्मार्क, और अब देखेंगे आपकी यहाँ पर बर्लिन कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन होगा, और बिस्मार्क की लीडरशिप में वो बोलेगा कि मैं दोनों के बीच में, रशिया और ब्रिटेन के बीच में, सुलह करवाता हूँ, और ही बिकेम द इंटरमीडिएट पार्टी। ओके, सो दिस इज हाउ बिस्मार्क इज राइजिंग अप। ओके, सो इससे पहले हमने क्या देखा था कि इससे पहले क्रीमियन वॉर जब हुई थी, तो उसमें ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई थी, तो पेरिस में हुआ था, मतलब फ्रांस में जो है सारा जो काम हुआ था कि क्या क्या आगे करना है वो डिसाइड हुआ था, ठीक है, ट्रीटी ऑफ पेरिस। उसमें इटली भी पार्टी थी, वीडमॉन साड़ी ने, क्योंकि काउंट केवर ने ब्रिटेन और फ्रांस को अपनी मदद बिना मांगे भेजी थी, ठीक है। तो ये थी आपकी रूसो टर्किश वॉर ऑफ यू कैन से दैट 1877 से 78, जिसके आउटपुट के तहत ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफनो साइन हुई थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रूसो टर्किश वॉर 1877 से 78 के मैप को, इससे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। यू कैन सी हियर, दिस इज रूसो टर्किश वॉर 1877-78, ये सेवास्तपोल रीजन है, ये क्रीमिया है यहाँ पर, और ये रशिया का रीजन हुआ करता था। अभी आपको मैप में अगर नहीं अगर ढंग से लग रहा है, तो आप ये कलरफुल मैप देखिए, देखिए नाउ यू विल हैव अ क्लियर आइडिया। दिस इज सेवास्तपोल, दिस इज क्रीमिया, दिस इज जो ऑरेंज ऑरेंज रीजन है वो सारा रशिया का रीजन है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 1870 में क्या हुआ कि रशिया ने जो 1856 की ट्रीटी ऑफ पेरिस थी उसको जो है उसने रेपिडेट किया, उसका उल्लंघन किया, और जो है अपनी ब्लैक सी नेवल स्क्वाड्रन को बुलेट करना स्टार्ट कर दिया। और ये जो ब्लैक सी का रीजन था टर्की के ऊपर, ये जो आप ब्लू देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज ब्लैक सी, ठीक है। तो
ये पूरा रीजन जो है, वेट वेट, ये पूरा रीजन जो है, ओ गॉड, ये पूरा रीजन जो आप देख रहे हैं, दिस इज ब्लैक सी. ओके, सो ये ब्लैक सी में यहाँ पे अपनी नवल आर्मी को स्ट्रांग करना शुरू कर दिया, और इसी के चलते जो है ब्रिटेन फिर से वापस जो है इसको रशिया को दबाने की कोशिश करेगी, और बर्लिन कांग्रेस होगी बिस्मार्क की लीडरशिप में बर्लिन में जर्मनी में. तो इस तरह से जो जर्मनी का इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस था वो बढ़ रहा था बिस्मार्क के टाइम पर. तो रूसो टर्किश वॉर 1877-78 के बीच में हुई, और इसमें क्या देखिए क्या हुआ, बिग बल्गारिया जो रशिया को चाहिए था, बिग बल्गारिया जो है रशिया को मिल गया, ये बल्गारिया का रीजन था, ठीक है. और द स्मॉल बल्गारिया, ये स्मॉल बल्गारिया है जो डार्क ऑरेंज है, तो स्मॉल बल्गारिया ये जो है कांग्रेस ऑफ बर्लिन. ये जब रूसो टर्किश वॉर 1877-78 में हुई, तो जो रशिया ने रीजन जीता था वो पूरा बिग बल्गारिया था, मतलब ये पूरा ही बल्गारिया था, ठीक है. ये पूरा देखिए, शुड आई मेक इट अगेन, ओके वेट वेट वेट, ये क्या हो गया, सी ये रीजन जो है आपका यहाँ पे देखिए, ये पूरा रीजन था, ये क्या था, बिग बल्गारिया. तो जब रशिया ने टर्की से लड़ाई की, तो ये पूरा ही अपने रीजन में इन्फ्लुएंस में ले लिया. लेकिन जब बर्लिन कांग्रेस हुई, तो आपको क्या मिलेगा कि ये जो डार्क ऑरेंज कलर से रीजन है, जो डार्क ऑरेंज कलर से रीजन है, फिर वो मिल जाएगा इसको, ठीक है. तो आप देखिए ये जो रीजन होगा, फिर यही मिल पाएगा रशिया को. तो क्रीमिया वॉर में जो टेरिटरीज मिली थी वो पूरी उस पर अपना इन्फ्लुएंस नहीं रख पाएगा. और ये जो एरो, बड़ा वाला एरो आप देख रहे हैं, दिस एरो जो दैट गोज टू बॉस्निया, तो ऑस्ट्रिया ऑक्यूपाइड बॉस्निया इन 1878, ओके, द डायरेक्शन ऑफ ऑस्ट्रियन एडवांस इन टू द बाल्कन्स. एंड ये जो स्मॉल एरो आप देख रहे हैं, ये ब्लैक से, मेक इट अगेन सी दिस एरो, जो स्मॉल एरोज आप देख रहे हैं यहाँ पे, आई होप यू कैन सी द कर्सर, ओके. सो दिस इज ओके, सो ये जो स्मॉल एरिया, रशिया जो है प्लेवना से मूव करता है, ये प्लेवना है, ये रशिया आया यहाँ से, ठीक है. और फिर प्लेवना से फिर यहाँ पर आपके बल्गारिया से सैन स्टेफनो, यहीं पर जो है ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफनो साइन हुई थी, जब आपके ये सैन स्टेफनो आपके टर्की में आता था, और ये सैन स्टेफनो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था, ठीक है. तो यू कैन सी इट हियर, सी दिस इज सैन स्टेफनो, ओके. तो रशिया अटैक्स इन द वॉर अगेंस्ट टर्की 1877-78 के बीच में. और ये जो ग्रीन टेरिटरी आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द टेरिटरी अक्वायर्ड फ्रॉम टर्की आफ्टर आर्मिस्टिस एट एड्रियाना पोल, ओके. तो टेरिटरी अक्वायर्ड फ्रॉम टर्की आफ्टर द आर्मिस्टिस एट एड्रियाना पोल. सो दिस इज ऑल अबाउट रूसो टर्किश वॉर, ठीक है. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे लिए क्या और डिस्कस हमें करना है. तो रूसो टर्किश वॉर का जो सारा मुद्दा है 1877-78 का, वो आपको क्लियर हो गया. ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफनो आपने देख ली. ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफनो में क्या क्या था, कि ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफनो में आपको रशिया को एडवांटेज मिला था. अभी बर्लिन कांग्रेस की हम बात नहीं करें, बर्लिन कांग्रेस की हम आगे अच्छे से बात कर लेंगे. तो ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफनो के तहत टर्क्स को जो है लाइक टर्क्स ने मतलब ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफनो टर्क्स पर इम्पोज कर दी गई रशियंस द्वारा. और इसके थ्रू क्या हुआ कि सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो और रोमानिया क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, जो कि पहले ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करते थे. और बुल्गारिया को ऑटोनॉमी दे दी गई, और साथ में बुल्गारिया की अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया. और बुल्गारिया के थ्रू रशिया को क्या मिल जाएगा, एगन सी को एक्सेस कर सकेगा रशिया. अब आपने मैप में देखा होगा, मैप फिर से देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे आपके ये बुल्गारिया है, एंड समवेयर देयर इज एजेंसी, ठीक है. सो दिस इज व्हाट हैपेंड, ओके. मूव फॉरवर्ड एंड सी, ऑटोनॉमी टू बुल्गारिया, एक्सेस टू एजेंसी, बट इट वुड बी अंडर रशियन डोमिनेशन. एंड टर्किश लैंड्स इन द कॉकस टू रशिया. अब कॉकस में जो टर्किश लैंड थी वो भी रशिया को मिल गई, रशिया ने उस पर अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया. अब देखिए कॉकस कहाँ पर है, ये कॉकस रीजन है सी. तो कॉकस रीजन से कार्स तक चले गए, टेरिटरी अक्वायर्ड फ्रॉम टर्की आफ्टर द आर्मिस्टिस एट एड्रियाना पोल. तो रशियो टर्किश वॉर में ये वाले रीजन पे जहाँ पे कारा लिखा हुआ है वो भी जो है रशिया ने नेक्स्ट कर लिया, ओके. तो इस तरह से ये जो ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफनो थी, इसमें रशिया को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ. तो इसी के लिए, इसी के नाते जो है ब्रिटेन और फ्रांस को दिक्कत होगी, और फिर तब जाके बिस्मार्क की लीडरशिप में बर्लिन कांग्रेस ऑर्गेनाइज होगी, और ट्रीटी ऑफ बर्लिन के तहत जो है बहुत सारी कंडीशंस रशिया पे इम्पोज किए जाएंगे. अब रशिया के जो आपके वेट, रशिया का इन्फ्लुएंस इंक्रीज होने लगा, ठीक है. देयर वाज इंक्रीज ऑफ रशियन पावर. तो इससे क्या हो गया, ऑस्ट्रिया को डर लगने लगा, कि ऑस्ट्रिया को लगने लगा कि ये तो बाल्कन रीजन में और ये ईस्टर्न में, फार ईस्ट में जो है रशिया अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहा है, तो मेरी जो तवज्जो है वो कम हो जाएगी. ब्रिटिश को लगा कि अगर रशियन पावर इंक्रीज हो जाएगी ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में, तो उनका जो कमर्शियल और कॉलोनियल और नवल इंटरेस्ट है वो कमजोर पड़ जाएगा. और इसीलिए ब्रिटेन ने रशिया को धमकी दी कि अगर जो है ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफनो का जो प्रोविजन है वो अमेंड नहीं किए गए, तो फिर जो है ब्रिटेन उसको उस पर, उसके अगेंस्ट वॉर करेगा. सो ठीक है, आपकी ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफनो आपने देख लिया.
So I have already told you about much about San Stefano. If you want to read more about it, you can read it. I'll just give it a reading again. See, among the provisions of the Treaty of San Stefano, what were the provisions? Serbia and Montenegro received their independence from the Ottoman Empire and were ग्रांटेड एडिशनल टेरिटरी. और रोमानिया को भी यही वही चीज़ है, रिपीट हो रही है. रोमानिया को जो है इंडिपेंडेंस मिल गई. और जो जो है बेसार्बिया, जो रशिया मतलब बेसार्बिया रीजन था, वो रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया. बट उसको जो है रोमानिया को ब्लैक सी में थोड़ा बहुत प्रोविंस ऑफ दोब्रुजा दे करके इस चीज़ को कॉम्पनसेट करने की कोशिश की गई, क्योंकि बेसार्बिया रीजन रोमानिया का था लेकिन रशिया ने लिया था. बोस्निया हर्जेगोविना को ऑटोनॉमी दी गई और उनको उनको रिफॉर्म्स प्रोमिस किए गए. लेकिन जो है बोस्निया हर्जेगोविना में रशिया और ऑस्ट्रिया दोनों का ज्वाइंट इन्फ्लुएंस था, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफानो के तहत. और साथ साथ में जो सदर्न बेसब्रिया था, जो आपके रोमानिया का ही पार्ट था, आप यहाँ पे देखा होगा, इस मैप में होगा, ठीक है, ये रोमानिया इस मैप में शायद शो नहीं किया हुआ है, बट स्टिल आई टेल यू कि बेसार्बिया वाज समवेयर हियर. ओके, सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड. ओके, सो इन एडिशन टू सदर्न बेसार्बिया, रशिया आल्सो अक्वायर्ड अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एंटोलिया, जो मैंने आपको दिखा था कारा रीजन, ठीक है, बांतम कार्स एंड अद्राहान. ये बांतम कार्स और अद्राहान कहाँ थे? यहाँ थे, देखिए यहाँ पर थे ये, ठीक है. तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी टर्किश रीजन जो है कुछ कुछ ऑक्यूपाई कर लिया था आपके रशिया ने. अनएक्सपेक्टेडली द ट्रीटी आल्सो कॉल्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ ग्रेटर बल्गारिया. इट इज द टेरिटरी एक्सटेंडेड फ्रॉम दानूबे रिवर एंड द ब्लैक सी. ग्रेटर बल्गारिया और शॉर्टर बल्गारिया हम दोनों देख चुके हैं. और टू द एजियन सी इन द साउथ एंड इंक्लूडेड मच ऑफ द मैकेडोनिया एज वेल. ओके, सो यू सी इन नॉमिनली अ पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, ग्रेटर बल्गारिया वॉज टू बी रूल्ड बाई क्रिश्चियन गवर्नमेंट एंड टू पजेस द नेशनल मिलिशिया फॉर द नेक्स्ट 2 years. इट वॉज ऑल्सो टू रिमेन अंडर रशियन ऑक्यूपेशन, अ क्लियर इंडिकेशन टू द डायरेक्शन इन विच रशिया वॉज मूविंग. बल्गारिया गार्ड्स द नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्दर्न एक्सेस टू द टर्किश स्ट्रेट्स. तो स्ट्रेट्स ऑफ दार्डनेल्स और स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, ये दोनों जो है पहले की वीडियोज में भी हम जिसकी बात कर चुके हैं, तो वो उसको उस स्ट्रेट्स ऑफ दार्डनेल्स और स्ट्रेट्स ऑफ दार्डनेल्स, सपोज यहाँ पे लाइक ये मारमरा, ये जो है यहाँ पे मारमरा सी, और ये लाइक सी ऑफ मारमरा था, वो स्ट्रेट्स ऑफ दार्डनेल्स और स्ट्रेट ऑफ ये क्या बोलते हैं बॉस्फोरस, तो उसको एक्सेस मिल जाएगा. तो पानी जो वार्म वाटर पॉलिसी थी वहाँ पे जो है यहाँ पे आपको काफ़ी साकार होती दिख रही है रशिया की. अगर रूसो टर्किश वॉर के बाद बर्लिन कांग्रेस नहीं आती तो रशिया का काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस यहाँ पर रहता, ठीक है. तो ये थी आपकी ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफानो और रूसो टर्किश वॉर ऑफ यू कैन से दैट 1877 से 78 तक. तो नेक्स्ट वीडियो में हम कांग्रेस ऑफ बर्लिन की बात करेंगे. होपफुली यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड दिस वीडियो क्लियर मोस्ट ऑफ योर डाउट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड फ्लड इन विद योर व्यूज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज.